हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर ऑन ड्यूटी जो आगे की पढ़ाई करने वाले छात्र बहुत मिल जाते हैं। बहुत छात्र इच्छुक रहते हैं कि हम अपने स्टडी कंटिन्यू रखें ताकि प्रमोशन में हमें फ़ायदा हो, या फिर एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हैं उनमें हम जा सकें, या फिर कंपटीशन के साथ साथ तैयारी करते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं, अलग अलग सबकी इच्छाएं होती हैं। बट आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ऑन ड्यूटी आप डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं। खास करके ये डिमांड होती है टेक्नीशियंस की, जो टेक्नीशियन बन जाते हैं वो चाहते हैं कि हम डिप्लोमा करके जेई का एग्ज़ाम दें और जेई बन जाएँ। तो उनके लिए भी ये खास करके अच्छा वीडियो है। और जो आप IPWE जो संस्थान है उससे जॉब के साथ आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। फीस यहाँ पर 700 है या फिर फ्री, सॉरी 7000 है। और फ्री कैसे पड़ेगा वो भी हम इस वीडियो में, यानी कि पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकते हो और सभी कर सकते हैं। कौन से बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपका डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए। जेई से रिलेटेड हो, कोई भी आपका किसी भी डिपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, हम उसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे। अब जो आपका जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपका IPWE के थ्रू आप डिप्लोमा कैसे कर सकते हो, क्या वो उसकी ज़रूरत होती है, कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह होगी, क्या कुछ होगा, कहाँ से स्टडी करनी है, चाहे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी हो वहीं से आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक अच्छा मौका यहाँ पर देता है रेलवे आपको। और यहाँ पर आपके साथ बता दूँ, इसके साथ कुछ लोग जैसे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज हो जाती है। आप प्रॉपर NOC लें अपने डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है उनसे NOC लें कि हाँ आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और नॉन कॉलेज है, आपकी ड्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर जो अधिकारी ऑफिसर से आपको NOC लेनी है, फिर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। इसके साथ ही कुछ लोग अलग अलग प्रकार की, जो अगर नॉन कॉलेज चीज़ होती है वो तो आप ईजिली कर सकते हो, उसमें NOC भी मिल जाती है। बट खास करके बात जब रेगुलर की आती है, क्योंकि डिप्लोमा है, ITI है, ये कोर्सेस है, ये रेगुलर होते हैं, तो ये आपको रेगुलर करने की अनुमति है, वो आपको विभाग नहीं देता है। ड्यूटी के साथ साथ कुछ जगहों पे मिल जाती है बैच वगैरह के हिसाब से, वो हम अलग से बात करेंगे आगे के। बट फिलहाल हम यहाँ पर जो आप ऑन ड्यूटी के साथ भी कर सकते हो जो डिप्लोमा, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन रेलवे इंजीनियरिंग बाई आपकी जो कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू यहाँ पर ये डिप्लोमा होता है, आपको बता दूँ। एडमिशन नोटिस फॉर बैच 27th बैच, यहाँ पर ये 27वां बैच है, 2023-24 के बैच के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंजीनियरिंग इंडियाज अंडर दी ऑक्यूपेसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है, खास करके रेलवे के एम्प्लॉयज हैं वही इससे डिप्लोमा करते हैं। और यहाँ पर ये इसका एड्रेस दिया है वो न्यू दिल्ली के अंदर दिया है। और इनकी जो वेबसाइट है वो IPWEIndia.org.in, ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर बताया गया है। तो आप देखें, रेलवे पर्सन के लिए, विदाउट रेलवे वाले भी कर सकते हैं, बट रेलवे पर्सन के लिए इन्होंने रखा है वर्किंग एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन रेलवेज, कोकन रेलवेज, पोर्ट ट्रस्ट रेलवेज एंड आल्सो एम्प्लॉयज़ ऑफ राइड्स, आइक्रॉन, कॉन्कर, क्रिस, DFCCIL, RVNL, KRCL, कोची रेलवे आपका है, और RLDA एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आपकी कोई भी जो है संस्थान काम करती है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे, चाहे वो DFCCIL हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी आपकी राइट्स हो, आईकॉर्न हो, जो भी है। इसमें आपकी योग्यता रखी गई है हाई स्कूल और ए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलवे, यानी कि जो आपकी आपका 10th 12th है उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका रेलवे के अंदर होना चाहिए, या फिर आपका मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। 3 ईयर्स का डिप्लोमा है तो आपको उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं बट इसके बेनिफिट्स अलग हैं, तो आप इसमें भी यहाँ पर करके एक योग्यता अपनी जोड़ सकते हो जिन लोगों ने पहले से डिप्लोमा कर रखा है। इसके बाद में इसके साथ ही अगर साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन BSc BCom BE और ए ग्रेजुएट BA ETC इन डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग मैथमेटिक्स और साइंस एज वन सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट और +2 ऑफ SSC एग्ज़ाम, यानी कि आपके पास +2 इंटरमीडिएट के अंदर अगर साइंस या मैथमेटिक्स है तो भी आप यहाँ पर ये डिप्लोमा कर सकते हो। बात करेंगे नॉन रेलवे पर्सन की, तो मिनिमम 3 ईयर यहाँ पर डिप्लोमा आपका जो है वो होना चाहिए उनके पास, इसकी हम बात ज़्यादा करेंगे भी नहीं, बट सेम आपका वही है। बट 10वीं पास वाले कर सकते हैं रेलवे वाले, बट उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यानी कि वो ग्रुप डी में भी है तो भी वो कर सकता है, आपको बता दूँ। लेवल 1 के अंदर है वो भी।
कोर्स की फीस की अगर हम बात करें तो रेलवे पर्सन के लिए 2500 प्लस 450 रुपये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है और 3000 प्लस 540 रुपये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। अगर देखें टोटल आपकी 7500 के समथिंग फीस बनती है, बट यहाँ पर फ्री कैसे होगा वो भी हम बताने वाले हैं। नॉन रेलवे पर्सन है उसको यहाँ पर 3000 प्लस 540 प्लस 3500 प्लस 630 रुपये विद GST यहाँ पर देने होंगे इनको। तो ये यहाँ पर है फीस। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 रखा गया है। अब आपको बता दूं ये हर साल ये आपकी जो आती है, कोविड के टाइम में कुछ यहाँ पर पोस्टपोन्ड हुए थे, बाकी हर साल यहाँ पर ये फॉर्म आते हैं। अगर आपको इस साल नहीं करना तो अगले साल कर सकते हो आप। बट इसमें बेनिफिट्स क्या है, सबसे मेन इफेक्ट ये है कि यहाँ पर कर्मचारी जानना चाहेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो खास करके बेनिफिट आपको यहाँ पर इसमें बताया गया है, रेलवे बोर्ड का जो लेटर नंबर दिया है इन्होंने 7/10/2022 का, उसके अंदर आप यहाँ पर इंसेंटिव ले सकते हो, प्रोत्साहन ले सकते हो 10,000 रुपये का। जो आपका स्टडी आगे आप करते हो तो 10,000 रुपये का को इंसेंटिव है वो यहाँ पर दिया जाएगा। उसमें आपको 7,500 के समथिंग यहाँ पर खर्च हो जाएंगे और आपके साथ एक डिप्लोमा भी हो जाएगा और आपको यहाँ पर 10,000 रुपये भी डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, आप डिप्लोमा इन रेलवे इंजीनियरिंग हैज बिन, जो आपका इसमें अगर आप डिप्लोमा करते हो तो इसमें आप आगे की जो कोलकाता के थ्रू आप BE या BTEC भी कर सकते हो। इसके साथ आपको सीनियर टेक्नीशियन में प्रायोरिटी मिलेगी आपकी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर। बट दोस्तों, जो मेन इसका मोटिव था आपको बता दूं, कुछ सालों पहले वो बंद कर दिया है, जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है, जहाँ तक मैंने उसका जानकारी निकाली है वेबसाइट से, नोटिसों से। तो जो मेन इसका जो था पहले, यहाँ पर जब डिप्लोमा होता था तो उसके अंदर आप GDC की जो JEE की एग्ज़ाम आती थी वो दे सकते थे, बट वो अब यहाँ पर हटा दिया गया है। इसमें वो यहाँ पर जो ये है एलिजिबल नहीं होंगे GDC के लिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी प्रॉपर मैं और यहाँ पर इसको निकाल कर आपको बताऊँगा। इसी की वजह से ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इसको करते थे। अब दोस्तों, ये 10,000 रुपये के लिए तो कोई करेगा नहीं, बट एक योग्यता है, आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी रेलवे के अंदर, बाकी बाहर आपको इसको यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी। तो ये एक यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। और कैसे आपको फॉर्म बनना है वो आप देख सकते हो, 3100 रुपये की DD बनानी है, 3600 रेलवे के लिए, रेलवे के जो कर्मचारी हैं ये अकाउंट नंबर दिए, इन अकाउंट नंबर से DD बनानी है। इसके बाद आपको बाई पोस्ट है वो भेजना है फॉर्म आपका IPWE ऑफिस के अंदर, दिल्ली के अंदर। आपका जो कंटेंट क्लासेस की बात करें तो दिस ईयर आपका जो आपका 3000 प्लस 18% GST के साथ आपको यहाँ पर बुक दी जाएंगी, वो बुक पढ़ के आप यहाँ पर दोनों सेमेस्टर देके पास हो सकते हो। कंटेंट डिटेल्स इनके दिए गए हैं नीचे, इस पर आप बात कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अगर करना हो तो। बट खास करके मैं ये बोलूँगा, जो यहाँ पर PVA के अंदर काम करते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ट्रैक मेंटेनर वगैरह हैं, वो इसको कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियरी हो सकता है आगे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम वगैरह में या फिर प्रमोशन एरिया में। बाकी जो वर्कशॉप के जो कैंडिडेट हैं या फिर जो दूसरे जॉब में हैं वो शायद ही इसको यहाँ पर कर पाएँ, इसका भी प्रॉपर मुझे नहीं पता है। बट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ पर छात्र हैं, वो इसमें को ज़रूर कर सकते हैं। तो वो अपने डिपार्टमेंट से इसकी अनुमति ले, पहले NOC जरूरी लें दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो, बिना ऐसे NOC कर लेते हो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोई भी, तो वो बाद में अगर वो रेलवे की सर्विस में उसे नहीं जोड़ते हैं तो वो कोई काम का नहीं रहता है। तो प्रॉपर आप NOC लें, चाहे आपको उसके लिए साल दो साल या फिर 6 महीने वेट करना पड़े, बट NOC लेके ही आप यहाँ पर ये चीज़ें करें, जो कि आपको रेलवे के अंदर अगर आपको यूज़ करनी है तो। अगर रेलवे के अंदर आपको यूज़ नहीं करनी है तो आप बिना NOC भी कर सकते हो, वो आपके आपके रिस्क पे है। बट मैं आपको सजेशन करूँगा NOC, और ऐसी बात नहीं है कहीं पे कि NOC नहीं मिले, NOC मिल ही जाती है। डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि कोई किसी भी, और कहीं पे भी नहीं लिखा है कि किसी को पढ़ाई के लिए रोक सकते हो आप, तो स्टडी कर सकते हो, बट यहाँ पर ड्यूटी है वो भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी होगी। तो NOC रहता है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आप यहाँ पर डिप्लोमा के लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, बट अगर जरूरत रही तो आपको यहाँ पर ड्यूटी है वो प्रॉपर करनी होगी, ड्यूटी का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन रहती हैं। और आप विदाउट पेमेंट वाली स्टडी लीव है वो ले सकते हो, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं किया जाता है, उसके लिए भी आपका प्रोसीजर अलग से होता है। बाकी ओपन से और डिप्लोमा कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप नीचे कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कि अगर आपका इसके अलावा आप डिप्लोमा जो GDC के लिए मान्य हो, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए मान्य हो, वो डिप्लोमा आप कैसे कर सकते हो या कर सकते हो नहीं कर सकते, वो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसको लेकर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।